आप सबको जोहार और यहाँ पर खबर निकल कर आ रही है कि बैंक के अधिकारियों ने सरकारी डॉक्टर के आवास को किया सील जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं फोटो में आपको क्लियरली देख रहा हो, देखने को मिल रहा होगा तो ये घटना है गढ़वा जिले की जहाँ पर गोविंद हाई स्कूल मैदान के समीप स्थित किलकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर पुष्पा सहगल के आवास को पंजाब नेशनल बैंक मेदिनी नगर ने आज यहाँ पर इसको सील कर दिया है इस बीच बैंक ने यहाँ पर डॉक्टर के आवास में रखे सभी सामानों को भी खाली कर दिया इधर डॉक्टर का कहना है की उन्हें ऐसे कुछ भी खबर नहीं थी कि ऐसा कुछ होने वाला है उन्होंने कहा है कि जिस तरह अपराधी अचानक पहुंचकर जबरदस्ती आते हैं उसी प्रकार बैंक के अधिकारियों ने घर पर आकर मुझे खाली करने को कहा है आगे बोला जा रहा है कि अवैध रूप से आवास में रह रहे थे डॉक्टर दंपति बोला जा रहा है कि इस संबंध में मेदिनी नगर पंजाब नेशनल बैंक के पदाधिकारी आनंद कुमार ने बताया है कि साल उन्नीस में भूमि के मालिक चंदेल इंटरप्राइजेस के यहाँ पर प्रोपराइटर विवेक कुमार सिंह पिता राणा प्रताप सिंह के द्वारा यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक मेदिनी नगर ऐसी नौ लाख रूपए का लोन लिया गया था लोन लेने के बाद समय पर पैसा नहीं चुकाने की एवज में बैंक के द्वारा उन्हें कई बार नोटिस भी दिया गया लेकिन नोटिस का कोई जवाब ही नहीं मिला जिसके बाद पंजाब नेशनल बैंक मेदिनी नगर द्वारा साल दो में यहाँ पर कार्रवाई करते हुए उक्त भूमि की नीलामी की गयी वही नीलामी के दौरान गढ़वा थाना क्षेत्र के यहाँ पर झोरा गाँव निवासी अरविंद कुमार तिवारी ने उक्त भूमि को नीलामी में दस लाख पांच हजार रूपए में खरीदा है लेकिन कोरोना काल होने के कारण उक्त भूमि को उन्होंने तत्काल छोड़ दिया था बैंक के पदाधिकारी आनंद कुमार ने बताया कि इस दौरान पुष्पा सहगल उसमें यहां पर आवास एवं क्लिनिक चला रही थी और यहां पर उन्होंने बताया कि इस मामले में उपायुक्त को पत्र लिखा गया जिसके बाद उनके निर्देश पर मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में उनका घर खाली कराया गया है यानी कि सब जो भी घटना यहाँ पर हुई है कानून के दायरे में ही हुई है और जहाँ ये डॉक्टर बोल रहे मुझे तो पता ही नहीं था मुझे तो मालूम ही नहीं था तो जैसे की आपने यहाँ पर पूरा जो केस है उसको समझ लिया है कि यहाँ पर उनको कई बार नोटिस भी दिया गया कई बार उनसे कांटेक्ट करने की भी कोशिश की गई है कभी कई बार उनको मतलब एक अच्छे वे में एक पॉजिटिव वे में देखा जाए तो एक इंसानियत के नाते उनसे कई बार कांटेक्ट करके उनको अच्छे तरीके से यहाँ पर मैटर को सॉल्व करने की कोशिश भी की गई थी बैंक की तरफ से लेकिन उन्होंने यहाँ पर कॉपरेट किया नहीं तो उसके, उसी का खामियाजा उनको ये भुगतना पड़ा कि बैंक अपने पे आ गया आगे यहाँ पर बोला जा रहा है कि उन्होंने बताया कि खाली घर कराकर नीलामी में लिए गए नए भूमि मालिक को उक्त घर सौंप दिया जाएगा आगे यहाँ पर बोला जा रहा है कि मामले में कोई जानकारी नहीं दी गई ये कहना है डॉक्टर का अब यहाँ पर जो हाई कोर्ट है वहां से खुद ऑर्डर निकल कर आ रहा है कि घर खाली कराना है उनकी मौजूदगी में ये सारी चीजें कानून के दायरे में हो रही है और यहाँ पर डॉक्टर साहब को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है गजब है तो आगे बोला जा रहा है कि इस मामले में यहाँ पर डॉक्टर पुष्पा सहगल ने कहा कि मुझे मामले की कोई जानकारी दी ही नहीं गई थी जिस तरह अपराधी अचानक यहाँ पर पहुंचकर धोस जमाते हैं इसी तरह से बैंक अधिकारियों ने मुझे घर पर आकर खाली करने को कहा है उन्होंने कहा है कि घर खाली कराने का वारंट लेटर लेकर आने के बाद ही वह घर खाली कराएंगे और और करा करा रहे हैं और करा चुके भी हैं अगर इसके लिए मुझे गाली भी खानी पड़े तो खाएंगे लेकिन घर खाली नहीं करेंगे ये कहना है डॉक्टर साहब का अब डॉक्टर ने यहाँ पर आरोप लगाया कि उनके घर के सभी सामानों को जबरन निकाल कर बाहर कर दिया गया है छह डिस जमीन की खरीदारी उन्होंने भी किया था लेकिन बैंक के द्वारा उनकी पूरी जमीन पर कब्जा कर लिया गया है वहीं बैंक के अधिकारी यहां पर आनंद कुमार ने बताया कि इस घर पर लोन था जिसे आज खाली कराया गया है इसके लिए हमने डीसी से अनुमति ली है जिसके बाद मजिस्ट्रेट बहाली के बाद यहाँ पर सुरक्षा बलों की देखरेख में खाली कराया गया है और जमीन मालिक को घर सौंप दिया गया है तो इस तरीके से यहाँ पर सारी चीजें कानून के दायरे में ही की गई है और डॉक्टर साहब को कुछ चीजें समझ में क्यों नहीं आ रही है और उनको पता क्यों नहीं चल रहा है ये बात थोड़ी सी समझ के बाहर है